नमस्कार दोस्तों, आज बहुत से लोगों का जीवन कई समस्याओं से घिरा है, जैसे आर्थिक संकट से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, उनका किस्मत साथ नहीं दे रहा है, उनका हर काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है। जो लोग संकटों से घिरे हैं, उनका संकट कैसे दूर हो, बुरे नजर का प्रभाव तुरंत कैसे खत्म हो, संकट मोचन हनुमान जी को कैसे करें प्रसन्न, तो आइए इन सभी समस्याओं और सवालों का समाधान प्राप्त करने के लिए हनुमान जी के मंगलवार की पूजा आराधना से जुड़े कुछ अचूक उपाय के बारे में जानते हैं। हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म में मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। मंगलवार के दिन पूजा पाठ और व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं और जीवन के सारे दुख दर्द व संकटों को दूर कर देते हैं। ज्योतिष में भी मंगलवार के दिन को पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा के साथ कुछ उपायों को करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। हम कुछ खास उपायों से हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं, आइए जानते हैं मंगलवार से जुड़े उपायों के बारे में। मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान मंदिर जाइए और भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं, साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और उन्हें तुलसी की माला अर्पित कर लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से बजरंग बली प्रसन्न हो जाते हैं और राह में आने वाली सभी बाधाओं को शीघ्र ही दूर कर देते हैं। जिन लोगों के जीवन में आर्थिक संकट है, वे कर्ज में डूबे हैं, उन्हें मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़, चना, मूंगफली या केला अवश्य खिलाना चाहिए। अगर ये चीजें बंदरों को खिलाना संभव न हो तो आप किसी गरीब या जरूरतमंद को इन चीजों को दान कर सकते हैं। इस उपाय को मात्र 11 मंगलवार तक करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। मंगलवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, इससे हनुमान जी की कृपा से जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। अब बात हनुमान जी को प्रसन्न करने तो उपाय की, तो मंगलवार को शाम में हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाने से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से सभी बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। जिन लोगों को या बच्चों को नजर लग जाती है तो उनके लिए ये अचूक उपाय है। मंगलवार के दिन जौ के आटे में काला तिल और सरसों का तेल मिलाकर एक रोटी बनानी चाहिए और इस रोटी को सरसों के तेल और गुड़ चिपोड़ कर नजर लगने वाले व्यक्ति या बच्चे के ऊपर से 7 बार उबार कर भैंस को खिला देना चाहिए, इससे बुरी नजर उतर जाती है। तो ये थे कुछ अचूक उपाय से संबंधित जानकारी। इस अंक में बस इतना ही, कल फिर हम मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए त्रियोगी मिट्ठू मिश्रा को दीजिए अनुमति। जय महाविंदेवासी।